स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8th क्लास का मॉडल पेपर टर्म वन का, है ना। टर्म वन का एग्ज़ाम जो 2022 का एग्ज़ाम है, जो कि 10 तारीख को होने वाला है, उसका मॉडल पेपर देखेंगे, यानी उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देखेंगे, ठीक है। सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, सभी सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन रहेगा, तो किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा पूरा सेम टू सेम प्रारूप दिखा रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसका पूरा सोल्यूशन दे रहे हैं, तो पूरा इसको देख लीजिए बढ़िया से। और जो चैप्टर वाइज पढ़ाएँ, चैप्टर वाइज जितना भी MCQs है सारा कंप्लीट करा दिए हैं, तो वो सबको देखते रहिए, एक दो दिन का समय है, और एक दो दिन में और भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम अपलोड कर देंगे। इसलिए चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको ना हो एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये मॉडल, इस ये बोर्ड का, तो झारखंड बोर्ड द्वारा निकाला हुआ मॉडल पेपर तो नहीं है, लेकिन जिस जैसा सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पे ये मॉडल पेपर है, यानी सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मतलब यही क्वेश्चन रहेगा, इसी टाइप का बोल रहे हैं ना। बहुत कोई सोच लेते हैं कि जो बताएं बस यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो वैसा थोड़ी होगा, जो क्वेश्चन आएगा उससे पहले सबका सब क्वेश्चन को कैसे जान जाएंगे, है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत आसानी होगा एग्ज़ाम की तैयारी में, ठीक है। तो इसी के आधार पर आप तैयारी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले ये हम थोड़ा सा छोटा हो जाते हैं। हाँ, पहला हिंदी रहेगा बाबू, है ना। शुरू में क्या रहेगा, हिंदी। हिंदी में क्या प्रारूप है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 3 तक उत्तर देना है, यानी एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, उस पैसेज को पढ़ना है और 1 से 3 तक इसका क्वेश्चन है, 3 को क्वेश्चन इसका है, वो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, ठीक है। तो फटाफट हम पैसेज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो इतना सा छोटा सा एक पैसेज है, इससे क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कार्निवल के मैदान का वातावरण किस प्रकार का था, तो खुशनुमा वातावरण था, यानी हंसी खुशी का माहौल था। अचानक लेखक की निगाह किस पर पड़ी, तो एक लड़का था ना, वो लड़का पर पड़ा, तो लड़के पर पड़ी, तीसरा ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, हर्ष का विलोम क्या है, हर्ष का उल्टा, हर्ष माने खुशी होता है, तो इसका उल्टा विषाद यानी गम होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। मित्र को लिखे पत्र में प्रश्न संख्या 4 से 6 अंकित है, यानी एक यहाँ पे पत्र है, लेटर है, इसमें 4 से 6 मतलब क्वेश्चन नंबर जो कि खाली जगह छोड़ा हुआ है, उस खाली जगह में आपको भरना है क्या होगा। जैसे ये मित्र को पत्र लिखा है, तो प्रिय मित्र राजीव, यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे नमस्ते भरा जाएगा, है ना। तो चौथा नंबर में नमस्ते भरना है, ठीक है। उसके बाद और कहाँ खाली जगह, देखिए कल डैश विद्यालय की ओर से मित्रों के साथ पिकनिक गया था, तो कल मैं, है ना, तो यहाँ मैं भरा जाएगा, कल मैं विद्यालय की ओर से मित्रों के साथ पिकनिक पर गया था। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोहर था, हमने वहाँ खूब मस्ती की, कई खेल और शाम को छात्रों खेल खेला, यहाँ खेला होना चाहिए ना, यहाँ खेला और यहाँ खेल भराएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देख लीजिए, यहाँ भी पहला में चौथा नंबर में नमस्ते भराएगा, सबसे ऊपर भी जो था, उसके बाद मैं भराएगा, उसके बाद खेल भराएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ की कहानीकार का नाम कौन है, तो बड़े भाई साहब को प्रेमचंद ने लिखा है, तो प्रेमचंद इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाइन क्या है, तो डाइन समाज का एक कलंक है, झूठी अफवाह है, नारी जाति का अपमान है, तो तीनों सही लग रहा है, तो लगा देना है चौथा ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। हरिवंश राय बच्चन का काव्य रचना कौन सी है, तो पथ की पहचान ये हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना है। शुष्क का सही विलोमार्थी शब्द, शुष्क माने सूखा होता है, उसका विलोम क्या होगा, उल्टा का होगा, तो इसका उल्टा आद्र होता है, आद्र मतलब भीगा हुआ, है ना। चौराहा किस समास का उदाहरण है, तो चौराहा द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द है अग्नि, ठीक है। तो जो जो ध्यान दीजिए इसमें, क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि जो जो चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है वही चैप्टर से आप क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार करिएगा। जैसे समास ग्रामर में समास का क्वेश्चन आया, मतलब समास का एक क्वेश्चन रहेगा, समास को बढ़िया से कर लीजिएगा। तत्सम आया तो तत्सम से भी एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। प्रतिकूल कार्य करना अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है, तो ये कौन सा मुहावरा का अर्थ है प्रतिकूल कार्य करना, तो उल्टी गंगा बहाना मतलब होता है प्रतिकूल कार्य करना, तो इस मुहावरे का वो अर्थ है। तो मुहावरा आ रहा है, मतलब मुहावरा से भी एक क्वेश्चन रहेगा, उसको भी ध्यान रखना होगा। ये क्या हो गया,
हाँ, अगला क्वेश्चन है, छोटा जादूगर शीर्षक कहानी के बालक किन गुणों का उभार गया था। उसका बालक जो बच्चा था उसका कौन कौन साहस, स्वावलंबन, मातृसेवा, तो सब गुण उसमें उभारा गया, तो सभी विकल्प सही होगा। पथ की पहचान, शीर्ष कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहता है क्योंकि सफलता प्राप्त करने में आसान हो जाता है पथ की पहचान अगर हो तो पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो देख ले, पथ का पहचान से क्वेश्चन दो आ रहा है, मतलब इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा चैप्टर, इस चैप्टर को, है ना, जो जो चैप्टर आ रहा है ध्यान रखिए। अशोक का शस्त्र त्याग, ये भी शीर्षक एकांकी, ये भी एक चैप्टर है हिंदी का, इसको भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। शीर्षक एकांकी के प्रमुख पात्र अशोक कहाँ का सम्राट था, तो मगध का सम्राट थे। पुष्प की अभिलाषा, ये चैप्टर भी पढ़ लेना है, ठीक है। शीर्षक कविता में पुष्प की क्या इच्छा है, तो पुष्प जो फूल है उसका इच्छा है मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछना, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है, तो एक सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक होता है, यानी रास्ता दिखाने वाला, सहयोगी होनी चाहिए, प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, यानी कि तीनों का तीनों सही है, तो चौथा ऑप्शन को सही लगा देना है, सभी विकल्प सही है। बड़े भाई साहब शीर्षक का संदेश क्या है, तो पढ़ाई आनंद पूर्वक ढंग से करनी चाहिए, बड़े भाई साहब जो कहानी है इसका संदेश है, इसलिए हमने भी मेरा भी प्रयास रहता है कि पढ़ाई को पूरा आनंद पूर्वक करवाते हैं, हंसी मजाक से, है ना, सिखाते हैं, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो आसानी समझ में आए, एकदम सीरियस मरियल जैसा एकदम कब्रिस्तान में बैठ के पढ़ रहे हैं वैसा पढ़िएगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है, बोरिंग लगने लगा, तो वैसा बोरिंग नहीं होने का, ठीक। डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है, स्त्री के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करके, सही है, स्त्री के सम्मान की रक्षा करके, सही बात है, ये भी सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके, तो तीनों का तीनों सही है, तो चौथा लगा देना है, सभी विकल्प सही है। तो ये रहा 20 क्वेश्चन हिंदी का। इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश में भी पहला वही कंडीशन है कि इसमें एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, इस पैसेज को पढ़ लेना है, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पैसेज क्या है, हरी वुड हैव हैड टू रिमेन साइलेंट इफ द मैन इन द शॉप नेक्स्ट डोर हैड नॉट प्रोवाइड फ्रेंडलियर, इट वाज ए वॉच रिपेयर शॉप विथ इट्स नेम प्रिंटेड ऑन ए साइन बोर्ड ओवर द डोर, डिंग डोंग वॉच वर्क्स, एंड व्हेन हरी कम आउट टू एम्प्टी ए पेल ऑफ गार्बेज इन टू वन ऑफ द बिग कॉन्सरेट डिस्पोजल यूनिट्स बिल्ड ऑन द रोड साइड, द मैन वेयरिंग ए स्मॉल ब्लैक कैप एंड विथ एन आई पीस फिक्स्ड इन टू हिज आई लुकड एट हिम एंड स्माइल्ड। तो ये एक पैसेज है, इस पैसेज को पढ़े, कोई भी पैसेज रह सकता है, उस पैसेज को पढ़ना है, आंसर देना है इस क्वेश्चन का, तीन क्वेश्चन रहेगा। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द वॉच रिपेयर शॉप, द वॉच रिपेयर का क्या नाम था, डिंग डोंग वॉच वर्क, तीसरा ऑप्शन होगा। द वर्ड विच इज ऑपोजिट ऑफ फुल, फुल मतलब भरा हुआ, तो उसका उल्टा होगा एम्प्टी, खाली। वेयर वाज द कंसर्ट डिस्पोजल यूनिट, तो वो ऑन द सी साइड लिखा हुआ, ये रोड साइड है ना, रोड साइड सा ना, यहाँ पैसेज में रोड साइड लिखा हुआ, रोड साइड आंसर होगा, ये गलत आंसर, टिक लगा दिए, गलती हो गया, यहाँ जी चौथा ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद यू एंड योर सिस्टर हैव टू अटेंड योर कजन मैरिज, मतलब शादी में अटेंड किए हैं आप और आपका बहन, तो आपका बहन को है डिफिकल्टी इन योर राइटिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आपका बहन नहीं जानता है तो उसको हेल्प करना, वो एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं उसको हेल्प करना है, 24, 25, 26 नंबर में खाली जगह, मतलब एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं कहीं खाली जगह छोड़ा है, वहाँ पे भरना है। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए क्या है, टू स्कूल में लिख रहे हैं तो टू द हेडमास्टर यहाँ हो जाएगा, टू द हेडमास्टर या प्रिंसिपल, तो जो ऑप्शन होगा देख लेंगे, टू द हेड मास्टर ये उर्गुटू स्कूल कांके रांची झारखंड ये। उसके बाद विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई हैव टू अटेंड माय कजन मैरिज टेकिंग प्लेस इन बोकारो, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज फ्रॉम 5th May 2022 टू 8th May 2022, आई शैल बी ओब्लिग्ड, यहाँ पे ओब्लिग्ड है ना, ओब्लिग टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, थैंक यू। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या, योर ओबीडियंटली भराता है, तो ओबीडियंटली यहाँ भर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में है देख लीजिए, पहला में टू द हेड मास्टर भराएगा, दूसरा में ओब्लिग भराएगा, तीसरा में ओबीडियंटली भराएगा, ठीक है। उसके बाद द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस ए बर्ड ले, तो आर्टिकल भरना है, आर्टिकल ए एन और द, तो ए बर्ड ले एग है तो एग के साथ एन लगेगा, एन एग इन कॉर्निश, तो ये एन यहाँ पर भरा जाएगा। विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, मैंने कौन सही लिखा हुआ है उसको बताना है। सर कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज, बैंक कहाँ है क्या आप बता सकते हैं सर, तो सर के बाद थोड़ा कोमा लगना था यहाँ पे, तो नहीं लगा हुआ है इसलिए गलत है। सर कैन यू, सर के बाद यहाँ भी कोमा नहीं है तो बाकी वाला ये भी गलत है और लास्ट में भी गलत है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है ये,
सर कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज? तो यहाँ पे सर शुरू में कोमा लगा है, ठीक है, थोड़ा सा रुकना है यहाँ। कैन यू टेल मी, मन ये सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क्स लगनी चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स नहीं, इसलिए ये भी गलत है। तीनों का तीनों गलत है, तो लास्ट वाला तो सही होगा। देखिए सर में कोमा भी लगा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स भी है, तो ये सही है। द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द टेंस सेंटेंस दे विजिट शिमला इन समर, तो इसका सिंपल पास्ट टेंस क्या होगा, तो दे विजिटेड शिमला इन समर, दे विजिटेड शिमला इन समर, चौथा ऑप्शन होगा। विच इज नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव बोलते जिसमें नोट लगा हो, नकारात्मक है ना, नहीं का बात हो रहा था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू ईट फूड, वो भात खाना नहीं चाहता है, नहीं का बात हो रही है, तो वहां ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई हैव गोट ए टूथेट, तो यहां हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड गोट ए टूथेट, चौथा तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड काली हैड गोइंग टू स्कूल, याद रखिएगा चैप्टर ध्यान रखिएगा। देखिए काली वाला चैप्टर आ रहा है यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिएगा ना, जो जो चैप्टर यहाँ पे आपको मुलाकात हो रही है उस चैप्टर को पूरा पी जाना है, जो भी उसका एमसीक्यू बताए हैं, क्योंकि यही यही चैप्टर से एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही हैड टू नो फ्रेंड, वो उसका कोई दोस्त नहीं बन रहा था इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहता था। व्हाट कलर आर द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स का कलर गोल्डन था। इन द पोएम भारत आवर लैंड द टर्म एंटीक्विटी स्टैंड्स फॉर ग्रेट एंशिएंट डेज, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हु आंसर्ड किंग जोंग क्वेश्चन, किंग जोंग का क्वेश्चन का आंसर कौन दिया, द शेफर्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर ए लिविंग, तो वो उस काली का बाप क्या करता था, तो वो ये सपेरा था, इसने सांप पकड़ता था, ही वाज ए स्नेक कैचर, दूसरा ऑप्शन सही होगा। व्हेन डज द चाइल्ड इन द पोएम माय मदर से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन, कब कहा, तो ये ग्रेट जजमेंट डे। द पोएट्स हार्ट वॉज फिल विथ डैश एट द साइट ऑफ द डैफोडिल, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भरा गया यहाँ पे। वेयर डिड द बर्ड लाई एग्स इन स्टोरी ऑफ नेवी फ्रेंड, तो कहाँ वो अबव द कॉर्निश, कॉर्निश के ऊपर चिड़िया जो है अंडा दे। व्हाट डज द वर्ड सियाचिन रियली मीन्स, तो सियाचिन मीन्स ए लैंड विथ अबंडेंस ऑफ रोजेज, है ना, किताब के अनुसार है ना, अदरवाइज सियाचिन मतलब तो इसका मतलब होता है ए लैंड ऑफ अबंडेंस ऑफ स्नो, यानी बर्फ से ढका हुआ जगह, लेकिन ये जो चैप्टर है इस इंग्लिश किताब में उसके अनुसार देखा जाए तो ए लैंड ऑफ अबंडेंस ऑफ रोजेज होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सोशल साइंस, ये 40 क्वेश्चन हो गया हिंदी इंग्लिश मिला के 20 क्वेश्चन, अब सोशल साइंस में आते हैं, सोशल साइंस में भी 40 क्वेश्चन रहेगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई थी, तो स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी थी, तो यूरोप महादेव कंपनी थी। प्लासी का कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। भारत का पहला चाय बागान कहां लगाया गया था, तो असम में लगाया गया था। झारखंड के किस महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में उलिहातू गांव का नाम हुआ था, तो उलिहातू में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहां स्थापित की, तो बंबई में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिन था, लॉर्ड कैनिन, दूसरा ऑप्शन सही हुआ। अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन कब किया, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण, नवीकरण माने जो वापस आ सकता है, तो वो जल है ना, जल वापस आ सकता है, पेट्रोल खत्म हुआ तो जल्दी नहीं बन सकता, कोयला नहीं, प्राकृतिक गैस नहीं, लेकिन पानी को नवीकरण किया जा सकता है। कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में होती है, वो हुआ है। जलग्रह किसे कहते हैं, जल, तो सबसे ज़्यादा जल कहाँ, पृथ्वी में, तो पृथ्वी को जलग्रह कहते हैं, ठीक है। तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में है ना, झुमरी तिलैया, तिलैया डैम। झारखंड के तांबा उद्योग कहाँ है, तो घाटशिला में तांबा उद्योग है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, तो एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश आंसर यहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन मध्य प्रदेश दिया ही होना है ना, तो मध्य प्रदेश रहेगा, मध्य प्रदेश में लगाना है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। भारत के में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कितना है, उम्र का है, तो 18 वर्ष होने चाहिए न्यूनतम, लड़का हो या लड़की तब वोट दे सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव कितने वर्ष बाद होता है, 5 वर्ष बाद होता है। झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, 14 लोकसभा क्षेत्र। भारत के शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थित। ए मालिक तेरे बंदे हम कविता किसने लिखी, तो भरत व्यास ने इस कविता को लिखी। योगासन किस अवस्था में करनी चाहिए, तो सभी अवस्था में, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, बच्चा बूढ़ा जवान सबके लिए है, तो सभी अवस्था में, ठीक है। तो ये रहा सोशल साइंस, एक आध को अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा हिंदी इंग्लिश या सोशल साइंस में, तो देख लीजिएगा अपने उसे, आप पढ़े होंगे, कहेंगे हम पढ़े नहीं, बस हम यूँ ही बता दे रहे हैं, ठीक है, हल्का फुल्का पढ़े। हाँ, मेरा मेन सब्जेक्ट साइंस है, साइंस और मैथ में गलती नहीं होगा, साइंस और गलती मैथ में गलती होगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन सोशल साइंस और वो में जैसे किताब में लिखा हुआ है वैसा हम कर दिए, हमको वो ये सब जानकारी नहीं है हिंदी और इंग्लिश और सोशल साइंस का, ठीक है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए देख लीजिएगा अपने क्वेश्चन यहाँ पर समझिए कर लिया है।
साइंस देखिए, साइंस का पहला क्वेश्चन है कोशिका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। कौन सा धातु कमरे के तापमान द्रव सम पाया जाता है, तो पारा, मलेरिया परजीवी का वाहक। अच्छा यहाँ पे कहा था कौन सा अधातु द्रव अवसम पाया जाता है, तो ब्रोमीन है ना, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, और ये धातु कहा इसलिए पारा हो जाएगा। मलेरिया परजीवी वाहक है, मलेरिया परजीवी का वाहक यानी मलेरिया किससे होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। हैं, अगला क्वेश्चन है संचारी रोगों के सबसे मुख्य कारक क्या है, तो घरेलू मक्खी फैलने वाली बीमारी का मुख्य कारण है, बीमारी फैलने का घरेलू मक्खी। कौन विद्युत का चालन नहीं करता, मैंने करंट किस में लगे, तो प्लास्टिक में करंट नहीं लगता है, ठीक है। बल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यानी एसआई मात्रक, तो न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। निम्न में कौन सा गैस दहन में उपयोगी है, कोई भी चीज़ को जलाना है तो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई चीज़ जलेगा नहीं, ठीक है। आंतरिक निषेचन होता है, कहाँ होता है, तो मादा के शरीर में। अगला क्वेश्चन है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म से बना ईंधन कोयला है, प्रकृतिक गैस है, पेट्रोल है, लेकिन लकड़ी नहीं है, ठीक है, तो ये लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो कोशिकाएं तो पता होगा, एक अधातु जो कठोर होता है हीरा, सबसे ज़्यादा कठोर। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाला औषधि, तो उसको बोलते हैं प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, ठीक है, इंग्लिश में एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। तो ये सब साइंस को तो एकदम पूरा चैप्टर वाइज समझा दिया बहुत बढ़िया से, और मैथ को भी, तो सबको देखिएगा, मैथ और साइंस में तो कोई दिक्कत ना हो जाए, बाकी तो खाली क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन मैथ और साइंस को तो पूरा, अगर पूरा वीडियो क्लास किए होंगे पूरा क्लास, तो फिर आँख बंद करके भी इसका लिख दीजिएगा। है लोहे के पुलों में जंग से बचाने के लिए किस धातु का, तो जिंक धातु का, वो विद्युत लेपन, उसमें लेपन किया जाता है विद्युत लेपन, ठीक है। गिरते हुए आम में कौन सा बल है, तो कोई चीज़ गिर रहा है तो सब में गुरुत्वाकर्षण बल है, चाहे आम है या जामुन है या कोनो रहे, है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। कागज के कप में पानी डालोगे गर्म करने से क्या होगा, तो कागज का कप नहीं जलेगा, है ना, कागज का कप बनाएंगे उसमें पानी डाल के गर्म करेंगे तो नहीं जलेगा वो, मैंने कागज का कप में भी पानी गर्म हो जाएगा, चाय बना के पी सकते हैं, पी लीजिएगा एक बार, ठीक है, पढ़ाई में मन लगेगा। तो वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न करता है, कहाँ कहते हैं, तो जनन कहते हैं, जनन द्वारा ही अपने जैसे जीवधारी उत्पन्न करता है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, जस्ता, जस्ता मैंने जिंक, जिंक को पीटकर चादर बना सकते हैं। ईस्ट का उपयोग का चीज़ में होता है, तो अल्कोहल यानी दारू बनाने में, शराब बनाने में। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को कहाँ कहते हैं, तो दाब कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा 80 तक हो गया, यानी साइंस का खत्म, मैथ शुरू करते हैं आप, ठीक है, मैथ को भी देखिए फटाफट, मैथ में देखिए। पहला क्वेश्चन है वन प्राप्त करने के लिए 7/22 को गुना, 7/23 को गुना करना होगा किससे, तो 7/23 को गुना कर देंगे इसके पलट के 23/7, तभी ना 23 कटेगा, 7 कटेगा तो बचेगा 1, तो आंसर क्या हुआ, 23/7 से गुना करना होगा इसको, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में किन संख्या का वर्ग का इकाई अंक 6 है, वर्ग का इकाई अंक बोला है बुबू, है ना, तो इकाई अंक का वर्ग कर दीजिए, जैसे इसका इकाई अंक 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 3 थी 9, तो 9 आया इकाई में, 6 लाना है तो नहीं, गलत हो गया। 14 को देखते हैं, तो 14 का इकाई अंक 4 है, 4 का स्क्वायर करिए 16, 16 में इकाई में 6 है, तो 6 है तो मैंने 6 आ गया, सही है, तो 14 नंबर, मैंने 14 सही है, तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है पद यह इसमें यह का है, तो ये क्या है बबुआ, रूट इसको इंग्लिश में कहते हैं, एक हिंदी में कहे तो वर्ग करने का साइन है ये, है ना, ऐसा जो रहता है ये वर्ग करना, इसका मतलब। रामानुजन कौन थे, तो ये गणितज्ञ थे, है ना, भारत के बहुत ही महान गणितज्ञ थे। 576 को किस छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन बन जाए, 576 को किससे गुना करने से पूर्ण घन बन जाए, घन मतलब देखिए याद रखिएगा, घन मतलब होता है कोई संख्या, जैसे 4 तो 4 गुना 4 गुना 4, 3 को आना चाहिए, 5 है तो 5 गुना 5 गुना 5, तो पूर्ण घन संख्या का पहचान है, तो 3 बार आवे। वर्ग संख्या का क्या होता है, 2 बार, वर्ग माने 2 बार, 5 गुना 5, 3 गुना 3, 2 बार रहे तो वर्ग संख्या, 3 बार आवे तो घन संख्या, तो 3 बार आएगा, जो कम होगा उतना गुना करके 3 बार कर देंगे उसको, तो वह आंसर हो जाएगा। तो पहले किसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तब पता चलेगा, तो गुणनखंड कर देते हैं, चलिए 2 से 2 2 4 11 16, 2 8 फिर 2 8 16, फिर 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, फिर 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, देख 3 ठो आना चाहिए, देखिए 2 3 गो है, ये वाला 2 3 गो है, 3 ठो आ गया, तो 3 देखिए 2 गो है, तो 3 एक ठो और रहता तो पूर्ण घन हो जाता था, एक ठो और 3 से गुना करना होगा, माने दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए 180 को किस छोटी संख्या से भाग करके वह पूर्ण वर्ग बन जाए, पर वर्ग वाला आ गया तो वर्ग में का 2 का जोड़ा करना है, ठीक है, तो भाग देना, चलिए 180 को पहले वैसे गुणनखंड कर लेते हैं, 2 9 18, 2 0 0, 2
2 45 से 90 हैं, 5 9 45 3 3 9 ले देख, 2 2 गो आ गया, 3 2 गो आ गया, लेकिन 5 बेचारा 1 गो है। तो या तो 5 गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 2 गो 5 हो जाएगा, या 5 को हटा दो। तो यहाँ हटाने के बाद बोला भाग, भाग मैंने भगाओ इसको, भगा तो 5 को यहाँ से भगाना होगा तो पूर्ण गुण हो जाएगा, तो 5 आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। -9 का पावर -7 है, तो -7 का है, तो -7 को क्या बोलते हैं, ऊपर है पावर बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में घातांक कहते हैं या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, घातांक। ए बी सी के लिए कौन सही है, तो ए बी सी देखिए, ए है दहाई इकाई, दहाई सैकड़ा का स्थान पे ए है, तो सैकड़ा ए 100 ए, देखिए दहाई के स्थान पे बी है तो 10 बी, और इकाई में सी है तो इकाई में मैंने 1 सी। ठीक है, तो ये सही है, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, मैंने इसको एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे तो ऐसा होगा, जैसे 52 32, इसको फैलाएंगे तो क्या होगा, 30 प्लस 2 32, ऐसे दहाई में इसलिए वो 0 यानी 10 से गुना हुआ, तो ऐसे फैला के लिखा हुआ है। ये जो जोड़ आ गया, देखो बउआ जोड़, जोड़ करना केकरा से, 3xy + 2x + 3, और इसको जोड़ना है, या यहाँ से भी जोड़ सकते, और है तो यहाँ जोड़ लगा देना है बीच में खाली। ठीक है, काहे लिखते रहेंगे, यहीं जोड़ देते हैं, देखिए और है, यहाँ जोड़ लगा देना खाली। अब जोड़िए, लाइक लाइक जोड़ते हैं, है जोड़ घटाओ तो बताबे कि अलजेब्रा का, लाइक वाला को जोड़ते हैं, अनलाइक को ना जोड़ेंगे, है ना। तो 3xy, इसका लाइक खोजिए पहले, 3xy यहाँ देखिए, 3xy यहाँ भी है, तो लाइक लाइक है, xy दोनों में है, तो xy दोनों दोनों लाइक हो गया, तो xy एगो 3xy एगो ये वाला प्लस में है शुरू वाला, यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस का होता है माइनस, माइनस मैंने घटाओ, तो 3 में 3 घटाओ तो क्या हो गया 0, माने खत्म, 3xy खत्म, कहानी उसका 0 बन गया वो। अब देखिए 2x प्लस में 2x है, यहाँ माइनस में 2x, तो उसका भी यही किस्सा होगा, माइनस प्लस माइनस खत्म, कहानी 2x में 2x घट गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब बचल 3 खाली, अरे 4, तो 3 और 4 होता है 7, तो 7 खाली आंसर होगा, बाकी सब कट गया। अगला क्वेश्चन अंतर बोला, अंतर मैंने घटाव होता है बाबू, हैं तो घटाव बोले हैं कर रहे, तो क्या करना है, माइनस लगा देना बीच में, लेकिन इधर ब्रैकेट लगा देना माइनस के बाद, फिर ब्रैकेट को तोड़ के माइनस को अंदर करना है। ठीक है, तो इसको चलिए इधर बना देते हैं, 3xy + 2x + 4 है, माइनस अंदर जाएगा तो -2xy हो जाएगा, फिर ये माइनस यहाँ आ जाएगा 2x के पास, तो माइनस पहले से था तो माइनस माइनस +2x हो जाएगा यहाँ वाला, फिर माइनस यहाँ 3 के पास आएगा तो 3 में भी माइनस पहले से, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब जोड़िए लाइक लाइक, 3xy में 2xy घटाना है, तो बचेगा xy खाली, यहाँ 2x है, 2x और ये 2x जोड़ है, तो जोड़े होता है, तो 2 2 4 हो गया x, यहाँ 3 और 4 और यहाँ 3 4 और 3 का तय होता है 7, तो ये 7, तो xy + 4x + 7 xy + 4x + 7 दूसरा ऑप्शन में सही। ठीक है, तो मैथवा तो बहुत ही बढ़िया से पढ़ा दिए, देख लीजिएगा, है ना, फटाफट, ज़्यादा चैप्टर तो पढ़ना ही है ना, 6 के साथ को पढ़ना ही है, तो अभी उससे अगर देखिएगा दिन 15-20 मिनट का तो मात्र वीडियो है, आधा घंटा का ज़्यादा से ज़्यादा कोई कोई, तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, जितना भी चैप्टर पढ़ना है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बहुत ही आसानी समझा दिए हैं पूरा देहाती में, और उसमें भी नहीं समझिएगा तो फिर बेकार है आपको पढ़ना। ये 91 नंबर देखिए, 15x² y का अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड मैंने 15 को तोड़ना है, इस सबको तोड़ना है, तो 15 को तोड़ेंगे तो 2 2 टुकड़ा होगा, 5 3 15, x² है तो x² को तोड़ेंगे तो x अलग कर देंगे 2 बार, और वाई छूछे 1 y है, 1 1 ठो बेचारा, तो 1 1 ठो रहेगा, तो ये देखिए कहाँ है आंसर हो गया, ये लास्ट टाइम है, देखिए ठीक लास्ट टाइम है, दिख रहा कि नहीं है बोला, है ना। अगला क्वेश्चन इसका और इसका योग, फिर जोड़ा गया, 2 को जोड़ कहा गया, चलिए जोड़ते हैं, चलिए कोनो दिक्कत नहीं, जोड़ लगा दो और की जगह, जोड़ अब जोड़ 3xy यहाँ भी 3xy एगो जोड़ में एगो घटा में थी तो कट गया, क्वेश्चन में गलत, यहाँ 3x होना चाहिए तो 3 जोड़ 2 दे दिया, 3 जोड़ 2 का दे दिया, अगर जोड़ अगर होगा तो क्या होता, देखिए 3 और 4 हो जाता, 3 और 4 जुड़ता 7, और यहाँ 2x और यहाँ 4x, तो 2 और 4 6x, ठीक है, और बाकी तो 0 हो गया, तो 0 + 7 + 6x, तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये प्लस प्लस ही होगा, एक्स नंबर तीसरा ऑप्शन सही है इसके अनुसार। अगला क्वेश्चन गुणनखंड करना, फिर से गुणनखंड, देखिए 2 गो है तो 2 गो वाला गुणनखंड में बोले थे कि कॉमन निकलने जैसा है ना बबुआ, तो कॉमन निकाल वही गुणनखंड हो जाएगा, तो 9 9 दोनों में, कॉमन माने 2 में रहे चाहिए, तो 9 9 दोनों में, तो दोनों में 9 और वाई भी दोनों में, तो दोनों वाई भी निकलेगा, तब 9 और वाई निकला तो बचा एक्स, यहाँ से 9 और वाई बाहर चल जाएगा, तो 9 वाई था कुछ होने बचेगा, 1 बचेगा, तो ये देखिए ये आंसर हो गया, कहाँ है खोजिए, कौन सा ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में।
उसके बाद देखिए 94 नंबर 3/4 का वयुत क्रम। वयुत क्रम माने होता है क्या बताए थे, वयुत क्रम माने बताए थे कि पैर को ऊपर मुड़ी को नीचे हैं, गोड़ को ऊपर मुड़ी को नीचे कर दो, हो गया वयुत क्रम। ठीक। उसके बाद 8100 का वर्गमूल, 8181 का निकाल दीजिए वर्गमूल, तो 9 होगा, 9 9 81 और 2 0 0 0, यानी 90 का हो गया ये वर्गमूल, इसका वर्गमूल 90 हो गया। चलिए घनमूल, अगर कह दिया घनमूल माने 3 बार आना चाहिए, तो 4 × 4 × 4 × 4 3 बार करके देखते हैं, 4 × 4 = 16 × 64 आ गया, तो गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पता चल रहा है छोटका था, तो 4 × 4 = 16 × 64 चार आंसर। 999 का पावर 0 है, तो कतनू बड़ा का संख्या रहे, 999 रहे कि 9999 रहे कि 9,90,099, कोनो रहे, मतलब पावर में अगर 0, यू लो ऊपरे अगर यहाँ 0 आ गया और यहाँ कतनू बड़का संख्या दुनिया का रहे, इसका मतलब एक होता है। ठीक, एक होगा आंसर। 39 का व्यापक रूप का है, तो 39 भाई 3 दहाई में है, तो 3 दहाई होगा कहाँ, 3 दहाई, 3 दहाई है, देखिए 3 10 × 3 3 दहाई और 9 इकाई में, तो 9, तो ये आंसर हो गया सही। एक पद द्विव्यंजक माने एक को पद, यहाँ 1 2 2 को पद दिख रहा है, यहाँ 1 पद दिख रहा है, तो ये सही है, यहाँ भी 1 2 2 को पद है, यहाँ भी 1 2 2 को पद है, तो दूसरा में 1 पद है। लास्ट क्वेश्चन x²-16 का गुणनखंड है, तो गुणनखंड वाला चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, गुणनखंड से भी क्वेश्चन आएगा। x²-16 का गुणनखंड करना है, तो अगर इसको फार्मूला में बदल देंगे तो आसानी से गुणनखंड हो जाएगा, कैसे, तो x²-16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, तो 16 का है को नहीं लिखेंगे, उसको 4 स्क्वायर हैं, 16 की जगह 4 स्क्वायर लिख दिए, तो ये बन गया, देखो बउआ a² और मान लीजिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b, तो a है x, तो x + b है 4, फिर a है x - b है 4, हो गया आंसर गुणनखंड। देखिए ऑप्शन नंबर 2, ये रहा 100 क्वेश्चन, इसी तरह 100 क्वेश्चन रहेगा बबुआ है, 5 सब्जेक्ट का 5 × 2 = 10, 100 क्वेश्चन रहेगा, एक वो क्वेश्चन जो रहेगा ना 2.5 नंबर का रहेगा, ठीक है, 2.5 नंबर का, ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी करिए, 1-2 दिन का समय है, वीडियो हम पूरा अपलोड कर दिए हैं, देखिए पूरा चैप्टर, जो भी चैप्टर पढ़ना है सारा का MCQ हम अपलोड कर दिए हैं, तो देखते रहिए सबको, है ना, और तैयारी बढ़िया से करिए और एग्ज़ाम बढ़िया से लिखिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, जल्दी से एग्ज़ाम लिखिए और टर्म 2 का तैयारी शुरू कीजिए, टर्म 2 का पढ़ाना शुरू करेंगे अब, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई वीडियो लेकर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।